स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर. तो दिस इज द एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड हियर वी विल अप्लाई एसी वोल्टेज और अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई. द ईएमएफ गिवन बाय ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ओके नाउ वी विल हियर सी द वैल्यू ऑफ करेंट. इट इज लीड टू द ईएमएफ और लैग टू द ईएमएफ. तो देखो यहाँ पे क्या होता है. सपोज दिस इज द करेंट आई, देन व्हाट हैपन हियर. फर्स्ट द करेंट चार्ज द कैपेसिटर एंड व्हाट इज द टोटल चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर. क्यू इक्वल टू सी वी. यहाँ पर ले लिए सी एंड इन द प्लेस ऑफ वी वी यूज हियर ईएमएफ ई सी इन टू ई. तो Q इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेंट. करेंट आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है ना करेंट का वैल्यू. तो हियर सी ई नॉट टी अपॉन डी टी साइन ओमेगा टी. देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा. कॉस ओमेगा टी. तो सी ई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी और आई इक्वल टू सी ई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू साइन 90 प्लस थीटा. व्हाट इज हियर कॉस थीटा. और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. दिस इक्वेशन टू कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू व्हाट वी फाइंड हियर. करेंट इज लीड बाई 90 डिग्री. यानी इन द सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर the alternating current lead to the AC voltage by 90 degree. Okay? And here what is I naught? I naught equal to C E naught omega or E naught upon I naught equal to 1 upon omega C and E naught upon I naught from Ohm's law it is equal to resistance. But here the opposition nature or resistance produced by the capacitor is known as reactance. It is represented by XC. So XC equal to 1 upon omega C. This is the reactance of capacitor. XC equal to 1 upon omega C. So what here is that it shows that XC is inversely proportional to omega. Then if we plot a graph between XC and omega, then it will be like that. It shows that when frequency increases, reactance produced by capacitor decreases. And what happens for the DC current? For the DC current, for DC current, क्या होगा DC current में? DC current में omega का value क्या होता है? Zero. The frequency of pure DC is zero. Then XC equal to infinite. So for the DC current, the reactance produced by capacitor is infinite. That means DC current capacitor से pass नहीं होगा, completely उसको रोक देगा. चलो तो यहाँ पे देखो I equal to I naught sin omega t plus pi by 2. It shows that current is lead by 90 degree to the voltage. Then in phasor diagram, what is the type of phasor diagram? So this shows variation of alternating EMF E. This is peak value omega t. ये variation show कर रहा है E naught sin omega t. What happened here? Here current is lead by 90 degree. So 90 degree से lead करा दो current को. This is the direction of current I naught. Lead by 90 degree. Okay. ये शो कर रहा है I naught sin omega t. ये फिगर B हो गया. This is figure C. Figure C shows phasor diagram of alternating EMF applied to the AC circuit. It shows that current is lead by 90 degree. Okay. Then let me discuss here about variation of alternating EMF
विद द अल्टरनेटिंग करेंट। तो देखो यहाँ पे ये हो गया ओमेगा टी, फर्स्ट में मेगा टेबल, चलो एक टेबल बना लो, दिस टेबल सोर्स वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड आई एट डिफरेंट कंडीशन, 0 डिग्री, पाई बाई टू, पाई, 3π/2 एंड 2π, ओके। ओमेगा टी इक्वल टू, ये फर्स्ट देखते हैं ई, तो ओमेगा टी जीरो है, ये हो जाएगा जीरो ई नॉट, देन अगेन जीरो माइनस ई नॉट, देन जीरो। चलो देखते हैं आई वाले केस में, ओमेगा टी जीरो क्या बचेगा, साइन पाई बाई टू, तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो साइन 91 दिस इज आई नॉट। फिर देखते हैं पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो गया पाई, साइन पाई का वैल्यू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, पाई प्लस पाई बाई टू 3π/2, साइन 3π/2 माइनस 1, दैट मीन्स दिस विल बी माइनस आई, 3π/2 प्लस पाई बाई टू ये हो गया 2π, साइन 2π का वैल्यू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो, 2π प्लस पाई बाई टू ये हो जाएगा फिर से साइन 360 प्लस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1, यानी ये हो गया आई नॉट। चलो तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन, सिमिलरली हियर पीक वैल्यू ऑफ करंट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन, आई नॉट माइनस आई नॉट, जीरो, पाई बाई टू, पाई, 3π/2, 2π, ओके। चलो देखो यहाँ पे, फर्स्ट वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो जीरो पे क्या है ईएमएफ जीरो है, पाई बाई टू पे मैक्सिमम ई नॉट, पाई पे जीरो, 3π/2 पे माइनस ई नॉट, 2π पे जीरो, ये हो गया अल्टरनेटिंग ईएमएफ। चलो अल्टरनेटिंग करंट का प्लॉट करते हैं, तो जीरो पे क्या है आई नॉट, पाई बाई टू पे हो गया जीरो, फिर पाई पे हो गया माइनस आई नॉट, 3π/2 पे जीरो, 2π पे आई नॉट, ये हो गया तुम्हारा, ओके। तो ये शो कर रहा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड दिस शोज दैट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, सोच द वेरिएशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट बाय द इंडक्शन सर्किट, बाय द कैपेसिटर सर्किट और बाय सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस।